आज हम जा रहे हैं दुबई और सुबह के बज रहे हैं अभी 5:15। तो मैं 1 घंटा पहले उठी थी और मैंने घर के कुछ काम किए, तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया क्योंकि मैं अच्छे से थोड़ा सा दिल लगा के करना चाह रही थी। और जब कैमरा होता है तो फिर हमारा जो ध्यान होता है कैमरे पे होता है। तो पैकिंग अभी भी चल रही है और चाय पी है मैंने सुबह सुबह। वहाँ जाके हम चाय इंडिया की मिक्स मिस करेंगे अगर हम चले वहाँ पर, तो क्योंकि अभी हमारा एक टेस्ट बाकी है, एक की तो रिपोर्ट आ चुकी थी। और अभी मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है, हस्बैंड ने अभी करनी है। तो देख लो हमारे जाने में अभी मेरी ख्याल से, तो वैसे जब उन्होंने जाना होता है अपनी वहाँ पे जॉब पे वापस, तो वो मतलब कि 10 दिन पहले ही अपना पूरा सामान सेट करके रखते, जैसे ही आते हैं सेट करके रखते हैं और फिर अच्छे से उसको देखते हैं जिस दिन जाना होता है उस 1 दिन पहले। तो अभी मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना काम कर लेती हूँ। और अभी बस मैंने बहुत ज़्यादा थक गए थे, हस्बैंड तो सो गए थे जल्दी 10 बजे, मैं नहीं सोई थी। मैं सोई थी मेरे ख्याल 12 बज गए थे मुझे सोते सोते, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी स्वेलिंग होने की वजह से। ठंड से मेरे पैर ना दो जो फिंगर होती हैं बड़ी उनने, और हम कैमरा भी रख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। और ये वाला जो कुर्ता है वो मैं आज पहन के जाऊँगी। और ये है वहाँ की करेंसी जो मेरे पापा के पास थी, तो उन्होंने कल हमें दी। और मैंने नील पेंट लगाई और लग गए सिराएं लगाई नहीं है, तो ये वाला कुर्ता मैं आज पहनूंगी। और वैसे वहाँ पे दोपहर को गर्मी होती है तो, लेकिन पहन के तो जाना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ठंड है। तो ये मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ही मंगवाया था और इसका रेट है 1500, लेकिन हमें ये 450 में पड़ा था डिस्काउंट पे। तो 7 बज चुके हैं और मैं रेडी हूँ, हस्बैंड भी रेडी है, और मैंने आज ये वाला कुर्ता पहना है। अभी शूज़ डालने हैं, तो शूज़ में एक्शन शूज़ ही डाल के जाऊँगी क्योंकि चलने में दिक्कत नहीं आती है। और मैंने कोई मेकअप नहीं किया है और कल रात को ब्लीच की थी और मेरा चेहरा आज काफ़ी क्लीन लग रहा है। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज है 25th और आज से मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग स्टार्ट मॉर्निंग से। और अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड से बाय बस हम जाएंगे अमृतसर, वहाँ से हमारी फ्लाइट है दुबई के लिए। तो वहाँ पे हमारा पहले टेस्ट होगा, फिर उसके बाद क्लियर होगा। तो अभी हम निकलने लगे हैं।
एयरपोर्ट में लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि कोरोना की वजह से शायद।